पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इसी शख्स के कबूलनामे ने पंजाब में आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विजय कुमार ये वो शख्स है जिसे 24 जून को मलेरकोटला में कुरान के अग्निकांड में गिरफ्तार किया गया है। और विजय के मुताबिक दिल्ली के मेहरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने उसे पंजाब में माहौल बिगाड़ने के लिए कहा था और इसके लिए जगह भी खुद चुनकर बताई थी। मैं एक पॉलिटिकल साजिश का शिकार हो गया जिसमें आम आदमी पार्टी के नरेश यादव ने मेरे को लालच दिया ये काम करने के लिए। उन्होंने कहा आने वाले चुनाव के मद्देनज़र हमें कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेना है और उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये काम कर दो ताकि और इसके बदले तुम्हें जो है हम माला माल करेंगे, हमारे पास फंडों की कोई कमी नहीं है। मुझ में थोड़ा सा लालच आ गया और ये गलती हो गई। आरोपी विजय के खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब पुलिस नरेश यादव से मलेरकोटला में कुरान की बेअदबी मामले में पूछताछ करेगी। पंजाब पुलिस ने 5 जुलाई को नरेश यादव को पटियाला आने को कहा है जहां वो अपना पक्ष रखेंगे। इस बीच अपने आरोपों पर सफाई देने के लिए नरेश यादव सामने आए और अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। आप कोई चीज बताइए, कोई ऐसा प्रूफ दीजिए कि मैंने किसी तरह से भी कहीं भी कोई ऐसी बात कही हो, कहीं कोई ऐसी रिकॉर्डिंग दिखाइए जहां इसमें कहीं भी इस तरह का वो ये आपका आरोप सिद्ध होता हो। बिल्कुल झूठा और निराधार एक ये है। और मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहने वाला हूं, हम बिल्कुल भी डरने वाले इंसान नहीं है यहां पर। ये एक साजिश है और इसमें बिल्कुल साफ तौर पे आज जब पूरे पंजाब में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग जो आज पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ हैं, तो अब इनके पास कोई इस तरह के आरोप और इस तरह के षड्यंत्र के अलावा कुछ बचा नहीं है। मेरे पास में मैं विधायक होने के नाते, चाहे वो आरएसएस का है, चाहे कोई बीजेपी का है, कोई एक्स काउंसलर बीजेपी है, ये सारे लोग आते हैं, हम पे घर पे आते हैं। हमारे पास में कोई ऐसा बंधन नहीं है कि हम उन लोगों से ना मिले। और वो बाहर जाके क्या काम करते हैं या उन्होंने क्या काम किया है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। 24 जून की रात मलेरकोटला में कुरान शरीफ की बेअदबी का मामला सामने आया था। भीड़ ने अकाली दल की विधायक फरजाना निसार खातून के घर की चेक पोस्ट और गाड़ियां तोड़ दी थी। करीब 400 लोगों की भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया था। पंजाब पुलिस ने 27 जून को विजय कुमार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। विजय कुमार ने इस मामले में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव का नाम लिया था। इसे लेकर भी केजरीवाल ने आरोप लगाए जिस पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने माकूल जवाब दिया। पार्टी के एमएलए के कहने पे यहाँ आया था, क्यों? क्योंकि 3 तारीख को केजरीवाल को पंजाब आना था और बादलों को केजरीवाल की यात्रा बर्बाद करनी थी, इसलिए उन्होंने। हमारी हिस्ट्री है कि सबसे हमारा एजेंडा अमन शांति और भाईचारक सांझ, बीजेपी अकाली दल का। तो पहले कांग्रेस ये करती रही है कि ऐसा कहो कि दो हमारे भाइयों में फर्क पड़े, अब दूसरे भी इस तरफ चल पड़े हैं। लेकिन एज चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो इंक्वायरी हो रही है, मुझे इससे ज्यादा नहीं। पंजाब में गरमाए चुनावी माहौल में ये मुद्दा फिलहाल नहीं लगता कि जल्द ही शांत होगा।